नकली खाद की फैक्ट्री है। चाबी दे कौन अरे चाबी चक्कर छोड़ो ना चाबी हो तुम चाबी लाओ जल्दी चाबी ना ले तो कुछ लाओ सर। आज अभी वहाँ पर सिसेंडी के पास एक जो है कारखाने में आपने छापा मारा है, वहाँ पर तमाम चीज़ें बरामद हुई जो नकली खाद सामग्री बनाई जाती है। उसके बाद आप खटोला गांव आए सर, क्या कैसा रहा यहाँ पर, क्या मिला यहाँ पर? वहाँ पर हम लोगों को इनपुट मिला था कि संभवतः उसी प्रकार के कुछ गतिविधि यहाँ पर भी संचालित हो रही है। हम लोग यहाँ रात में अभी इस दुकान पर, एक मार्केट बना हुआ है कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर आ गए हैं और एक दुकान में वो स्टॉक मिला, लेकिन मौके पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। तो जो दुकान के मालिक हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा उनसे रेंट एग्रीमेंट करके दुकान किराए पर ली गई जिसमें कि उर्वरक भंडारित है। तो उसको हम लोग अभी इसमें और जाँच करेंगे कि ये कार से भंडारित है, इसका लाइसेंस और पेपर की जाँच करेंगे, जैसा होगा उसके अनुरूप में आगे। सर कैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नहीं कि उसी तरीके का सामान है? ये अभी नहीं कह सकते हम लोग जब तक कि पेपर नहीं देख लेते हैं। अगर उनके द्वारा पेपर प्रस्तुत किए जाते हैं तो हम लोग ये मान चलेंगे कि वो अपना नियमानुसार कार्य कर रहे थे, नहीं तो हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, नमूना लेंगे। जिस व्यक्ति ने रेंट पर दिया है वो मालिक यहाँ पर है अभी? वो मालिक अभी नहीं है, उन्होंने कहा है कि हम लोग, मैंने उनसे कहा है कि अगर वो पेपर लेकर के आ जाएं, तो उन्होंने कहा है कि हम लोग आधे घंटे में हम पेपर लेकर के आ रहे हैं, तब तक हम। जिसका सामान सर यहाँ पर वो मौजूद नहीं है, जिसका यहाँ पर सामान लगा हुआ है? हाँ, यहाँ पर कोई मिला नहीं है, दुकान में केवल सामान भंडारित पाया गया है, कोई व्यक्ति मौके पर नहीं है, लेकिन दुकान खुली हुई है। तो हम लोग अभी इसमें जांच करेंगे और उनको हमने बुलाया भी है जो दुकान के मालिक हैं। सिसेंडी से मिलता जुलता है सर, चेक किया है आपने? हाँ, अभी ये कह नहीं सकते, अभी इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, लेकिन शिकायत है सरकार की भी कि संभवतः यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, तो उसकी पुष्टि हम लोग अभी करेंगे।